वास्कुलर बंडल इन हायर प्लांट्स, जिसमें हम जो है जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप पढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो आपके तीन तरीके से अरेंज होती है आपके वास्कुलर प्लांट्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। तो आपके फर्स्ट वन आपके थे कॉन्जॉइंट, सेकेंड वन रेडियल, थर्ड वन कंसेंट्रिक। तो इसमें कॉन्जॉइंट में क्या होता है, आपकी जाइलम और फ्लोएम जो आपकी प्रेजेंट होती है। कौन कौन मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ आपका प्रेजेंट है। तो इसमें दो टाइप के हम पढ़ते हैं, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। कोलेटरल में वन पैच ऑफ जाइलम होता है और वन पैच ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम आपका जो है आउटसाइड में होता है जाइलम की, जैसे कि आपका जो है दिखाया गया है वन पैच ऑफ जाइलम वन पैच ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम आपका जो है आउटर साइड में प्रेजेंट है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन का मतलब है कैम्बियम रिंग का प्रेजेंट होना, ये आपके जाइलम जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग आपकी प्रेजेंट है। क्लोज का मतलब होता है कि आपकी कैम्बियम रिंग का एब्सेंट होना। तो आपके जैसे क्लोज वास्कुलर बंडल में दिखाया गया है कि ये कोलेटरल है, तो इसमें जाइलम और ऊपर की साइड जो फ्लोएम, तो इसमें जो आपकी वास्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो आपका क्लोज वास्कुलर बंडल होता है, आपका क्लोज वास्कुलर बंडल होता है वो आपके जो है मोनोकोट स्टेम और लीव्स में मिलता है, जबकि ओपन जो आपके डाइकोट स्टेम और लीव्स में मिलता है। सेकंड आपका आता है बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में क्या है कि टू पैचेज ऑफ जो आपके फ्लोएम होते हैं और आपका जो है जाइलम जो आपके बीच में प्रेजेंट है, तो ये आपका कोलेटरल का है, दैट इज द आउटर फ्लोएम, दिस इज द इनर फ्लोएम, ये आपकी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है और ये आपका जाइलम है। तो हम कह सकते हैं जो बाइकोलेटरल होते हैं वो ऑलवेज ओपन होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कैम्बियम रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन आपका आता है रेडियल। रेडियल में आपकी जो है जाइलम और फ्लोएम जो होती है रेडियस में अरेंज होती है। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम और बीच में आपकी पिथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपकी जो है रेडियल टाइप की होगी। देन थर्ड वन आपका था कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में होता है कि कंप्लीटली सराउंड करते हैं। तो एम्फिक, ये दो टाइप के होते हैं, एम्फिक राइबल और एम्फिक वेसल्स। एम्फिक राइबल में जो है जाइलम जो है इनसाइड में होता है, फ्लोएम जो है आउटसाइड में होता है। तो ये आपका जैसे डायग्राम दिखाया गया है कि बीच में ये ग्रीनिश जो है आपका दैट इज द जाइलम और येलोइश जो है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम आपका जो है जाइलम को राउंड करा है, तो ये हो गया आपका एम्फी क्राइपल। एम्फी वेसल्स में क्या हो गया कि बीच में आपका फ्लोएम है और आपका जाइलम से सराउंड है, तो ये आपके आ गया एम्फी वेसल्स। देन पोजिशंस ऑफ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बेस में हम कहते हैं ये डिफरेंट टाइप की होती है। सेंट्रार्च, सेंट्रार्च में जो है सेंटर में एक ही चैम्बर बनाता है जाइलम, ठीक है, इसमें आपका जो है मेटाजाइलम सराउंड कर रहा है आपके प्रोटोजाइलम को। तो ये जो है लिविंग प्लांट में नहीं होता, क्योंकि ये आपके सेंट्रार्च में सेंटर में सिर्फ एक ही वास्कुलर बंडल बन रहा है, एक ही चैम्बर बन रहा है। सेकेंड आपका आता है एक्जार्च। एक्जार्च में प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी कि आपकी बाहर की तरफ जो है प्रोटोजाइलम होगा और अंदर की तरफ आपका मेटाजाइलम होगा। तो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं दैट इज द रूट में। तो ये आपका जो है इसमें जो है चार आपका जो है वास्कुलर बंडल दिखाए गए हैं। देन सेकेंड आपका होता है एंडार्च। एंडार्च में हम कहते हैं कि प्रोटोजाइलम जो आपका टूवर्ड सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है बाहर की तरफ जाएगा, ये आपकी स्टेम में प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी एंडार्च कंडीशन है। देन थर्ड वन आप कहते हैं मिजार्च। मिजार्च आपका जो है प्रोटोजाइलम जो है ऑल साइड से मेटाजाइलम को सराउंड करा है, ये लीफ ऑफ एंड स्टेम ऑफ फर्न्स में मिलता है, ये आपको जैसे दिखाया गया है।
ध्यान रहे, सेंट्रार्च और मिजार्च, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेंट्रार्च में सिर्फ एक ही चैम्बर बन रहा है, यानी कि एक ही वास्कुलर बंडल बन रहा है वो सेंटर में, जबकि मिजार्च में यहाँ पे चार दिखाए गए हैं। देन हम प्रोटोजेलम और मेटाजेलम की अगर बात करते हैं, तो मेटाजेलम जो है आपके लार्ज साइज में दिखाए गए हैं, और आपके प्रोटोजेलम हमेशा जो है छोटे छोटे उसमें जो है पार्ट में दिखाया गया है। देन वास्कुलर बंडल इन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो डायकोट स्टेम में हम कहते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्च कंडीशंस है। एग्जाम्पल है इसका हेलियंथस एनस यानी सनफ्लावर, बोरावे डिफ्यूजा। सेकेंड आता है मोनोकोट स्टेम, इसमें कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, कोलेटरल या कंसेंट्रिक हो सकता है एंड क्लोज होती है। एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं, ड्रेसिना में, यूका में, अगावा में, अलोय में एंड जेंथोरियाजम में, इनमें क्योंकि आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आपके जो कैंबियम प्रेजेंट होती है तो ओपन होगा। डाइकोट लीव्स की बात करते हैं तो इसमें कोलेटरल और ओपन होती है। मोनोकोट लीव्स की बात करते हैं तो कोलेटरल और आपका क्लोज होता है, यानी कैंबियम रिंग अब्सेंट होती है। डाइकोट रूट की बात करते हैं तो इसमें रेटिल, पोली आर्क, एक्जार्च और आपकी क्लोज होती है, जबकि मोनोकोट रूट की बात करते हैं तो इसमें रेडियल, पोली आर्क, मोर देन 8 वास्कुलर बंडल होते हैं आपके, एक्जार्च कंडीशंस होती है एंड ओपन होते हैं, यानी कि मोनोकोट रूट में आपकी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है। देन कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रेडियल वास्कुलर बंडल इन डाइकोट रूट, इसमें चार मिलते हैं, सनफ्लावर एग्जाम्पल है, सनफ्लावर में चार होते हैं। बाइकोलेटरल बंडल जो आपकी पपकिन स्टेम में मिलता है। वास्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम, ये ओपन कॉन्जुएंट एंडार्च होता है। कोलेटरल आपका सनफ्लावर में है, बाइकोलेटर आपका एपोसाइनासिस, एस्कलिपिएडेसी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, एस्कलिपिएडेसी कुकुरबिटेसी मेंबर में ये आपका मिलता है। एम्फीवेसल्स बिगोनिया और रूमेक्स में है। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल आपका फ्लोक्स में मिलता है। पोलिस्टेटिक आपकी जो है निम्फियासिस में मिलता है। मेडुलरी बंडल और कॉर्टिकल बंडल जो आपके एमरेंथासिस और चिनोपोडियम में मिलते हैं।